उसके बाद हमारे पास निकॉन की कुछ, मैं दो बॉडीज लेके आया हूँ जिसकी कंडीशन अच्छी है और प्राइस भी ऊपर है। तो सबसे पहले मैं डिबाउंसर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी कंडीशन है 10.9 कंडीशन है। इसके अंदर आपको रोटेटेबल LCD मिल जाता है एंड उसके बाद आपको इसके अंदर माइक ऑप्शन मिल जाता है एंड उसके बाद ये 24 मेगापिक्सल है और ये इसके अंदर आपको आठ बुक्स पॉइंट भी मिल जाते हैं जो आप ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये निकॉन का मॉडल है डी बाउंस हो जिसका प्राइस है 45,000 रुपये। आपको साथ में एक कार्ड भी मिल जाता है एंड उसके बाद आपको लेंस भी मिल जाता है 45 में। पूरा किट आपको मुकम्मल हो जाता है 45,000 रुपये में। तो ये निकॉन का डी बाउंस मॉडल है जिसका कंडीशन 10.9 कंडीशन है और जिसकी प्राइस 45,000 रुपये। तो ये यूट्यूबर के लिए भी अच्छी ऑप्शन है। इसके अंदर आपको ऑटो बुक्स पॉइंट मिल जाते हैं तो आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो और इससे भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर माइक ऑप्शन भी आपको मिल जाता है और ये 24 मेगापिक्सल भी है। निकॉन का डी बाउंस हो जिसका प्राइस है 45K। एंड उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है D3200 जो आपको रेड कलर में मिल जाता है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन है और रेड बॉडी है इसकी जिसकी प्राइस है 35K। और कंडीशन तो बड़ी प्यारी कंडीशन है रेड कलर का, बहुत टाइम के बाद मेरे पास आया हुआ है। तो इसका प्राइस 35K है एंड ये भी 24 मेगापिक्सल है। इसके अंदर भी आपको माइक ऑप्शन मिल जाता है एंड उसके बाद इसके अंदर भी आपको ऑटो बुक्स पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन ये फिक्स LCD है, इसका LCD रोटेट नहीं है और माइक ऑप्शन आपको इसके भी मिल जाता है, ऑटो बुक्स भी मिल जाता है आपको। तो ये भी यूट्यूबर के लिए अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती है क्योंकि अच्छी इसके अंदर ऑटो बुक्स पॉइंट भी है, बस जस्ट आपको फिक्स LCD मिल जाता है, रोटेट नहीं मिलता। तो इसके अंदर आप माइक ऑप्शन भी है और ये 24 मेगापिक्सल है जिसका प्राइस है 35K निकॉन का D3200। उसके बाद हमारे पास तीन किस्म के लेंस पड़े हुए हैं, कैनन की जूम लेंस एंड निकॉन का जूम लेंस। तो सबसे पहले मैं 55-250 का हमारे पास पड़ा हुआ लेंस कैनन का, ये STM लेंस है जिसका प्राइस है 20,000 रुपये लेंस। चलो मैं दिखा भी देता हूँ आपको ताकि आप लोग दिख भी सको। ये पड़ा हुआ है हमारे पास कैनन का 55-250 लेंस, STM है, वीडियो के लिए बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाती है आउटडोर, ये इंडोर काम नहीं करता है 55-250। जिसके अंदर आपको मिस्ट ब्लेजर भी मिल जाता है एंड ये STM है, वीडियो के अंदर आपको बेस्ट लेंस वो है अभी वीडियो के लिए आउटडोर, इंडोर नहीं। तो 55-250 जिसका प्राइस है 20,000 रुपये और ये बिल्कुल नया लेंस है, साफ़ सुथरा है जो आपको मैंने लेंस दिखा दिया। तो अब चलते हैं हम कैनन 75-300 की तरफ। इसका बुक्स तो मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि इसके ऊपर हमने स्टिकर लगाया हुआ है। ये भी कंडीशन बिल्कुल नई कंडीशन है और ये 75-300 है। इसके अंदर आपको एमएसटी ब्लेजर नहीं मिल जाता, लेकिन आउटडोर शूटिंग के लिए सबसे बेटर लेंस है और एंड उसके बाद वीडियो के लिए भी अच्छी ऑप्शन है। प्रैंक वीडियो जो बनाते हैं या यूट्यूब के लिए कोई और आउटडोर शूटिंग करते हैं तो उसके लिए 75-300 बेटर है। और इसका प्राइस है 16,000 रुपये जिस टाइम आप देख सकते हो कैनन का 75-300 लेंस। कंडीशन बिल्कुल 10x10 कंडीशन है जिसका प्राइस 16,000 रुपये 75-300 और ये आउटडोर के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। जो प्रैंक्स वीडियो बनाते हैं या यूट्यूब के लिए कोई और शूटिंग करते हैं तो आउटडोर के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित है। उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है 55-200 लेंस निकॉन का VR2 लेंस जिसके अंदर आपको VR ऑप्शन मिल जाती है एंड ये वीडियो के लिए अच्छी ऑप्शन है, वीडियो के अंदर शोर नहीं करता क्योंकि इसके अंदर मोटर अच्छी लगी हुई है। ये है हमारे पास 55-200 लेंस जिस VR अलग ऑप्शन आता है वो भी वीडियो में दिखाएंगे अगले वीडियो में, और ये VR2 ऑप्शन है जो वीडियो के लिए अच्छी ऑप्शन है। एंड उसके बाद इसका प्राइस 18,000 रुपये है, 10x10 कंडीशन लेंस है, बिल्कुल नया 55-200 निकॉन का VR लेंस जो हमने आपको दिखा दिया। तो अब मैं माइक कुछ बारे में बताते हैं कि चलो माइक भी आज मैंने कहा दिखाई देते हैं। तो माइक हमारे पास दो तीन किस्म के पड़े हुए हैं, कॉलर माइक जो ये सबसे बेटर अच्छी ऑप्शन साबित होती है, बोया M1 माइक, लेकिन मैं बेसिकली यूज़ खुद यही करता हूँ लेंस को क्योंकि इसके अंदर शोर बहुत कम आता है बजाय बोया का, लेकिन बोया ज़्यादा मशहूर हुआ है, आई डोंट नो वजह क्या है। लेकिन ये बोया का भी हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है, ये डबल माइक है और ये सिंगल माइक है। इसका प्राइस 1500 रुपये है और ये है 2500 रुपये का। इसके अंदर आप डबल माइक है, इसके अंदर डबल नहीं, इसके अंदर आपको डबल ऑप्शन मिल जाती है, जिस बंदे ने इंटरव्यू करना हो या दो बंदे आप एक टाइम पे वीडियो बनाना चाहते हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो। बोया के अंदर भी आता है जिसका प्राइस 2500 रुपये है और ये लेंस को कम नहीं है, इसके अंदर भी आपको 2500 रुपये का मिल जाता है। एंड लेंस को के अंदर जो सिंगल माइक आता है उस टाइम मेरे पास नहीं अवेलेबल, उसका भी प्राइस 1500 रुपये है, वो भी सेम बोया की तरह, लेकिन बोया के अंदर शोर ज़्यादा है बजाय लेंस को का। तो इन दोनों का मैंने प्राइस भी बता दिया और ये दोनों के बारे में बता भी दिया। तो उसके बाद हम आपको ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है सबसे बेटर बोया M1 माइक, जो ब्लॉगिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये है बोया M1 माइक। तो इसका प्राइस है 3500 रुपये, आप लोग देख सकते हो बोया M1 माइक
जो आपके लिए ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेटर ऑप्शन साबित होती है, वो या क्या MM1 माइक, ये लेंसको के अंदर भी आता है, उसका भी इतना ही प्राइस है और MM1 का भी इतना ही प्राइस है, तो आप देख सकते हो इसको, ये ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेटर माइक है। उसके बाद हमारे पास LED लाइट्स, जो आप लोग रात को वीडियोस बनाना चाहते हो तो आप लोग को LED लाइट भी हमारे पास अवेलेबल होती है, जिसकी आपको ये LED है 520 LED है, जिसका प्राइस है 3500 रुपये। इसके अंदर 520 LED है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बैटरी लेनी पड़ती है, चार्जर भी लेना पड़ता है, पूरा सेट हम 6500 में पूरा कर देते हैं, जिस तरह बैटरी भी है, चार्जर भी और लाइट भी। अगर आपने सिंगल लाइट लेनी होगी तो लाइट की प्राइस 3500 रुपये है और ये 520 LED है, और ये LED हमारे पास 528 LED, आप लोग देख भी सकते हो 528 LED वाली है, इनसे लाइट थोड़ी सी बड़ी है और इनसे इसका प्राइस भी बड़ा है और इसकी LED लाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसका जस्ट लाइट की प्राइस 45 है 4500 रुपये, और अगर आपने बैटरी और चार्जर लगाना हो तो ये 7000 रुपये का पड़ जाता है। ये भी LED लाइट है 528 वीडियो के लिए, जो सबसे बेटर बनती है। उसके बाद हमारे पास D90 बॉडी पड़ी, जिस टाइम आप लोग देख रहे हो इसकी कंडीशन भी 10x10 कंडीशन है, निकॉन का ये D90 मॉडल है और ये भी प्रोफेशनल बॉडी है, फोटोग्राफी के लिए बेस्ट ऑप्शन है निकॉन का D90 मॉडल, जिसकी कंडीशन 10x10 कंडीशन है, आप लोग देख भी सकते हो उस टाइम इसकी, और इसकी जस्ट बॉडी का प्राइस 25K है विद बैटरी चार्जर, निकॉन का D90 मॉडल। ये फोटोग्राफी की अच्छी ऑप्शन है, इसके अंदर वीडियो भी बन जाते हैं लेकिन फोटोग्राफी की सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है कैनन का 5D Mark II मॉडल पड़ा हुआ है, जिस टाइम आप लोग, ये फुल फ्रेम है, क्रॉप सेंसर नहीं है, कैनन का 5D Mark II मॉडल और इसकी कंडीशन 10x9 कंडीशन है, और इसके अंदर CF कार्ड लगता है, छोटा कार्ड नहीं लगता है, बड़ा कार्ड लग जाता है CF वाला कार्ड, और इसकी जस्ट बॉडी का प्राइस 60K 60,000 रुपये है, इनसे आपको 32GB कार्ड भी मिल जाता है एंड बैटरी चार्जर भी, जस्ट बॉडी का प्राइस 60K है, 5D Mark II, ये फुल फ्रेम है, कैनन का फोटोग्राफी की बेस्ट ऑप्शन है एंड वीडियो के लिए भी अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास कुछ लेंसे पड़े हुए, जो सबसे पहले मैं जूम लेंस के बारे में बताऊंगा आपको, 75-300 हमारे पास पड़ा हुआ है, 10x10 कंडीशन लेंस है, ये आउटडोर का लेंस है, इनडोर यूज़ नहीं होता है, ये आउटडोर पे काम करता है, कमरे के अंदर काम नहीं करता है, बाहर अच्छा लेंस है, बेस्ट लेंस है, अगर कोई प्रैंक वीडियो बनाना चाहता है या कोई बाहर आउटडोर शूटिंग करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट लेंस 75-300 है, जिसके प्राइस है 14,000 रुपये, 10x10 कंडीशन लेंस है, कैनन का 75-300 लेंस। उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है 55-250 लेंस, जिसका जिसके अंदर आपको इमेज स्टेबलाइजर ब्लेजर मिल जाता है एंड कैनन 75-300 जो लेंस है उसके अंदर आपको इमेज स्टेबलाइजर ब्लेजर नहीं मिलता है, 55-250 के अंदर इमेज स्टेबलाइजर मिल जाता है आपको, तो ये आप लोग जैसे इसका भी कंडीशन 10x10 कंडीशन, इसका प्राइस है 16,000 रुपये, कैनन का 55-250 लेंस, जिस टाइम आप लोग देख रहे हो, ये भी आउटडोर भी चलता है लेकिन इनडोर भी थोड़ा बहुत ये काम कर लेता है, क्योंकि ये 55 से स्टार्ट होता है और वो 75 से स्टार्ट होता है, तो ये 55-250 लेंस का जिसका प्राइस है 16,000 रुपये 10x10 कंडीशन। उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है कैनन का 18-135 लेंस, जो आप लोग इस टाइम देख सकते हो, ये 10x10 कंडीशन है, ये आपको फोटोग्राफी की सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर बंदा वेडिंग में जाना चाहता है एंड उसके अंदर ग्रुप फोटोज जितनी भी है, ग्रुप फोटो आपका इसके ऊपर आ जाता है, तो ये सबसे बेस्ट लेंस है 18-135, और इसका जस्ट प्राइस है 22K 22,000 रुपये का है, ये कैनन का 18-135 लेंस है और ये जो है वेडिंग के लिए सबसे बेस्ट लेंस है। उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है 17-85 लेंस पड़ा हुआ है, 17-85 तो 18-135 भी ज़्यादा वाइड है लेकिन इसके अंदर जूम फिर कम आ जाता है, ये 17-85 है वो 18-135 लेंस है, बाकी ये मैं कहूँगा सेम है, इसके अंदर भी मिस्टर ब्लेजर है, उसके अंदर भी आपको मिल जाता है और इसकी भी डाई सेम है, 67 है उसकी भी 67 है, तो इसका प्राइस है 16,000 रुपये, कैनन का 17-85 लेंस है, ये भी वीडियो के लिए भी अच्छी ऑप्शन है एंड फोटोग्राफी की भी बेस्ट ऑप्शन है, 17-85 है, ये ज़्यादा वाइड है, जितना ये कम होता है, जिस तरह ये 17 है वो 18 है, जितना ये कम होता है उतना ही ज़्यादा वाइड हो जाता है, तो ये 17-85 लेंस है जिसका प्राइस है 16,000 रुपये, कंडीशन आप लोगों ने देख ली। उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है 17-50 2.8 पड़ा हुआ है, 17-50 2.8 लेंस है, इसका पर्चर कम है बजाय 18-135 का एंड 17-85 का, 17-85 का भी 5.6 है एंड उसके बाद 18-135 का भी 5.6 है लेकिन इसका 2.8 पर्चर है, ये अगर आप लो लाइट में काम करते हो तो आपके लिए बेस्ट लेंस है, वीडियो के अंदर भी एंड फोटोग्राफी की भी बेस्ट ऑप्शन है, 17-50 2.8 लेंस है, ये टिमरॉन में है, जिसका प्राइस है 22,000 रुपये है, जिस टाइम आप लोग देख रहे हो। उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है 28-105 लेंस, जो आप लोग देख सकते हो, ये फुल फ्रेम का लेंस है, क्रॉप बॉडी का भी चल जाता है लेकिन फुल फ्रेम की भी चल जाता है, 28-105 लेंस, जिसका प्राइस है खाली लेंस का 16,000 रुपये और ये आप देख सकते हो कंडीशन, इसकी भी 10x10 कंडीशन है, ये कैनन अमाउंट में है, निकॉन में नहीं है और इसका प्राइस है 16,000 रुपये, 28-105 लेंस, ये क्रॉप सेंसर भी चल लेकिन फुल फ्रेम भी चलता है और फुल फ्रेम के अंदर आपको ये रेड डॉट देख सकते हो, जिस लेंस के ऊपर ये रेड डॉट होगा वो फुल फ्रेम भी चलता है एंड क्रॉप भी चल जाता है, लेकिन अगर वाइड डॉट होगा तो ये सिर्फ क्रॉप का होगा, फुल फ्रेम का नहीं होगा, तो ये 28-105 जिस टाइम कंडीशन की बिल्कुल नई कंडीशन। हमारे पास 200D मॉडल पड़ा हुआ है, जिसका प्राइस आपको 75K मिल जाता है लेकिन इसके अंदर आपको वाईफाई भी मिल जाता है, ब्लूटूथ भी मिल जाता है, 24 मेगापिक्सल है और इसके अंदर आपको डुअल ऑटोफोकस भी मिल जाता है, तो ये कैनन का 200D मॉडल जो सबसे बेस्ट है ब्लॉगिंग के लिए,
बेसिकली ब्लॉगिंग आप बेस्ट यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी भी इसके अंदर अच्छी कर सकते हो, लेकिन वीडियो के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं ब्लॉगिंग, क्योंकि इसके अंदर आपको डुअल ऑटो फोकस मिल जाता है और इसका प्राइस 75K है और इसका शटर काउंट 1500K है। 10x10 कंडीशन कैमरा है, बिल्कुल नया कैमरा कैनन का 200D जो आपको ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है एंड फोटोग्राफी की भी अच्छी ऑप्शन है। और इसके अंदर वाईफाई मिल जाता है, 24 मेगापिक्सल और ब्लूटूथ भी इसके अंदर है, तो ये कैनन का 200D मॉडल है।